बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख़ुव्वत की जानब से 100 अरब के बिला सूद कर्ज़े। ख़वातीन हज़रात, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है। वो जो कहते थे कि ये नामुमकिन है, सूद के बगैर कर्ज़े नहीं दिए जा सकते, कर्ज़े देंगे तो वापस नहीं मिलेंगे, और फिर मस्जिद ये कहाँ से आ गई? क्या मस्जिद में बैठ कर भी कभी किसी ने किसी को कर्ज़ दिया? तो ये सारे के सारे तसव्वुरात गलत साबित हुए, और ये बात सच्ची साबित हुई कि जब अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल होती है और नियत नेक होती है तो मंजिल आसान होने लगती है। पहाड़ का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। 2001 में ये काम शुरू हुआ, चंद हज़ार से ये काम शुरू हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 अरब के कर्ज़े बग़ैर सूद के 35 लाख से ज़ायद कर्ज़ों की सूरत में लोगों को पेश कर चुके हैं। ये भी एक बात साबित होती है जो अल्लाह ताला ने फरमाई कि वो सूद को घटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। दरअसल ये सदक़ात फ़ंड है जिस पे लोगों ने अपने हिस्से के कुछ पैसे दिए और फिर वो पैसे दूसरों तक पहुँचे और दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली आई। छोटे छोटे कारोबारों से लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब अपने पूरे किए, बच्चे स्कूल जाने लगे, सेहत की सहूलत मिलने लगी और छत मुयसर आई। तो अख़ुव्वत के 100 अरब के ये कर्ज़े इस मुल्क की, इस कौम की दयानतदारी का मज़हर हैं कि 99.9% की शरह से ये रकम वापस मिली। और फिर ये हमें यकीन देते हैं, ये हमें उम्मीद देते हैं कि ये मुआशरा ज़रूर एक दिन कामयाब होगा और अक़वामे आलम में सर फ़ख्र से बुलंद करके जिएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मौका पर हमारा साथ दें। दरअसल ये आप ही का साथ था कि आज हम इस मंजिल पर पहुँचे। आपने हिम्मत दी, हौसला दिया, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट की, और इसके नतीजे में हम एक ऐसा मुआशरा बनाने के सफ़र में आगे बढ़े जिसमें हर शख्स को ज़िंदा रहने का इज़्ज़त और आबरू के साथ मौका मिले। यूथ इम्पैक्ट, अब्दुलसमद खान साहब और उनके साथियों का मैं बहुत मोतरफ हूँ कि उन्होंने हमेशा यूथ को अख़ुव्वत का पैगाम दिया, मवाखात मदीना का पैगाम दिया, और हमारे इस सफ़र में हमारे साथी बने। तो ये जो 100 अरब तक पहुँचने की कैंपेन है, इसमें भी ये हमारे साथी हैं, और इनके तवस्सुत से हम हज़ारों नौजवानों तक ये उम्मीद का, यकीन का, ईसार का और क़ुरबानी का पैगाम लेके जाएंगे। मैं यूथ इम्पैक्ट का मशहूर हूँ कि उनके तवस्सुत से हम ये पैगाम लोगों तक आम करने की कोशिश में कामयाब हो रहे हैं।